Sida, can you please give me 5 minutes? Okay. You can take the 5 minutes. I will start the lecture after 5 minutes, okay? Okay. Thank you. Assalamualaikum teacher. Waalaikum assalam, Ahmed Hassan Nisar. Is this you? Kya hala teacher? Abdullah, is this you? Ma'am, yes, teacher. I'm going to my parents' Abdullah, I'm fine and मैं बहुत बेहतर हूँ. आप लोगों ने क्लास ली थी स्कूल में? Yes, ma'am. आप चली गई थी, किधर गई थी? मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं चली गई थी इसलिए. अच्छा अच्छा सही. हाँ जी. Okay, happy to see you here in the class, Abdullah. Okay. जी जी. अच्छा तो yes. Manahil, I am fine now. Alhamdulillah. Okay. So सबसे जब तक मिस कायनात आती हैं तब तक के लिए जो हम क्या करते हैं अपनी एक वोकैबुलरी वर्ड जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं. हाजरा, आई एम फ्रॉम मंदी बहाउद्दीन. मैं मंदी बहाउद्दीन से हूँ. ओके मैडम, आपने आज मिस कायनात ने लेनी है क्लास? जी आज मिस कायनात क्लास लेंगी. ओके हिना, इफ यू वांना गो यू कैन लीव द क्लास. ओके सो हम जो है वो आज की वोकैबुलरी वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं. बाकी की क्लास जो वो मिस कायनात लेंगी, हम वोकैबुलरी वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं आज. क्योंकि जब मैंने फीडबैक्स पढ़ी थी तो उनमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि वोकैबुलरी वर्ड्स जो है वो नहीं दिए जा रहे, वोकैबुलरी उनको नहीं दी जा रही. सो आई डिसाइडेड के आप लोगों को जो है वो एक वर्ड दे दिया जाए. सबसे तो आज जो वर्ड है वो है वायलेंस. अब आपको पता होना चाहिए कि वायलेंस के मीनिंग क्या होते हैं. अच्छा किस किस को पता है कि वायलेंस के क्या मीनिंग होते हैं? कौन मुझे बताएगा? वायलेंस वर्ड आप लोगों ने पहले सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? हाजरा तशद्दुद. ओके हाजरा ने जो है वो लिख दिया है. सो वायलेंस के मीनिंग होते हैं तशद्दुद. अब तशद्दुद जो होता है वो बहुत सारी किस्म का होता है और बहुत तरह का तशद्दुद होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का तशद्दुद हो रहा है. वायलेंस इज बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट, इंजर और किल पीपल. वायलेंस जो है यानी कि तशद्दुद जो है वो एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि जिसकी वजह से कोई भी हर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से कोई जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बंदा इंसान जो है वो मर जाता है. बेसिकली वायलेंस जो है वो तशद्दुद है. तशद्दुद अब किसी भी किस्म का हो सकता है. वो एक बहुत छोटा तशद्दुद भी हो सकता है, जैसे आप कोई जो है वो आप किसी छोटे से बच्चे की चीज छीन के खा लेते हो, ये भी तशद्दुद है. और या आप किसी इंसान को मार देते हो, ये भी तशद्दुद है. ठीक है, तो तशद्दुद जो है हर तरह, ये एक बहुत छोटी से पॉइंट से लेके एक बहुत बड़े जो है वो पॉइंट तक जो है वो हो सकता है. हाँ जी. ओके तो आप जो है तशद्दुद के बारे में, और हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, एन एक्ट ऑफ एग्रेशन. तशद्दुद जो होता है वो हमारे पास जो है वो कोई भी एक्ट होता है ऐसा जो कि जो है वो हम कह सकते हैं कोई भी एग्रेशन का एक्ट हो सकता है. अगर अच्छा आप एग्रेशन किससे बोलते हैं ये बताएं मुझे जरा. अच्छा अग्रेसिवनेस होती है गुस्सा होना, ठीक है, और मतलब कि जारहाना एटीट्यूड को शो करना, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, अग्रेसिवनेस बोलते हैं. ठीक है, सो एन एक्ट ऑफ अग्रेशन. अब अग्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा गुस्सा होना या कुछ भी. सो अगर कोई इंसान जो है वो किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा है तो वो भी क्या है, अग्रेशन है, वो भी क्या है, वायलेंस है. ठीक है, अगर आप जो है वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर गुस्सा हो रहे हो या अपने बहन भाइयों के ऊपर गुस्सा हो रहे हो तो ये भी क्या है, अग्रेशन है. इसे भी हम क्या बोलते हैं, गुस्सा होना जो है वो बोलते हैं. ये भी हमारे पास जो है वो वायलेंस में आता है, एज वन अगेंस्ट अ पर्सन हु रेजिस्ट. ठीक है, अब जो है वो हमारे पास तशद्दुद हो गया वायलेंस के जो है वो, और मिसाल हमारे पास पुरतशद्दुद रवैया या सलूक, ज्यादती, किसी के साथ ज्यादती करना, दस्त दराजी. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास किसमें आती है, वायलेंस के वर्ड में आती है. अच्छा कानून. अब हमारे पास क्या, जिस्मानी कुव्वत का तशद्दुद, आमेज और गैर कानूनी इस्तेमाल, इस तरह की कुव्वत को बरोकार लाकर डराने धमकाने का अमल. ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आप किसी को कानून से डरा रहे हो या धमका रहे हो या गैर कानूनी तौर पर किसी भी चीज को
अब जो है वो आप क्या कह रहे हो कि उसको गैर कानूनी तौर पे किसी भी शख्स को क्या कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, या उस पर किसी जिस्मानी जो है वो तशद्दुद कर रहे हो, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, वॉयलेंस में आती है। ठीक है, यस सैना बता रही है, वेरी गुड, एग्री, गुस्सा, और रहा भाई का गुड। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी गुस्सा जो होता है बेसिकली किसके सेंस में आता है, वॉयलेंस जो होता है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। सो मेरा ख्याल है आप लोगों को वॉयलेंस के मीनिंग समझ आ गए होंगे सबको। वायलेंस जो है वो क्या है, गुस्सा है, और तशद्दुद है, और वो किसी भी किस्म का क्या हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है। ठीक, तो ये जो था वो हमारा आज का वर्ड था जिसको हमने कहा था वायलेंस। अब हम क्या करते हैं, वायलेंस पे एक छोटे से जुमले बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास जो है वो पहला सेंटेंस है, 20 पीपल वर किल्ड इन द वायलेंस, यानी कि तशद्दुद के दौरान 20 लोग मारे गए, 20 पीपल वर किल्ड इन द वायलेंस। ठीक, सो अब जो है वो आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यस डेफिनेटली, अब हमारे पास क्या होता है कि आप हमारे पास क्या क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, अब जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं अगर वो आपस में लड़ रहे हैं या जो भी उनके मसाइल हैं और वो उसमें एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, या फिर जब वो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, तो ये भी हमारे पास किसमें आता है, डोमेस्टिक वायलेंस। ये भी जो है वो वायलेंस है, ये भी तशद्दुद है, यानी कि वो आपस की बातें नहीं सुन रहे, आपस के अंदर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर अपनी राय को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बैंड कह रहा है कि आप मेरी बात सुनो, वाइफ कह रही है कि आप मेरी बात सुनो, तो ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये क्या है, ये भी तशद्दुद है। अब जो है वो द वॉयलेंस इन हर टोन गेव टाइलर अ शॉक। ठीक है, अब वो कहते हैं द वॉयलेंस जो कि तशद्दुद था इन हर टोन, यानी कि अब उसकी जो बात करने का अंदाज था उसके अंदर इतना तशद्दुद, मतलब कि उसके अंदर इतनी जारियत थी, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो है वो इतने बुरे तरीके से बोल रहा था कि उसके अंदर वॉयलेंस जो है वो, तशद्दुद जो है वो नजर आ रहा था, जिसकी वजह से टाइलर जो था वो शॉक में रह गया। ठीक है, सो द वायलेंस इन हर टोन, उसकी टोन में यानी कि उसकी आवाज के अंदर जो वायलेंस थी, जो तशद्दुद था, उसकी वजह से वो क्या रह गया, शॉक में रह गया। वायलेंस इज ऑलवेज पॉइंटलेस, वायलेंस जो होती है वो हमेशा पॉइंटलेस होती है, उसका कोई भी जो वो कोई पॉइंट नहीं होता उसमें। डेफिनेटली जो वायलेंस होती है हमारे पास उसमें बस जहां पर भी कहीं पर भी वायलेंस हो रही होगी तो उसमें क्या होगा कि वो आपस में लोग जो है वो बस लड़ रहे हैं, उनके पास कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो एक पॉइंटलेस है, उसमें कोई नुक्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो लोग आपस में क्या किए जा रहे हैं, बातचीत जो है वो किए जा रहे हैं। जस्ट दिस इज जो है वो एक जो है वो हमारे पास जाहिर सी बात है, जब दो इंसान लड़ रहे होते हैं तो उन्हें एक दूसरे का भी नुक्ता नजर समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं, और वो सारी पॉइंटलेस सी बातें होती हैं। तो वायलेंस जो है, जो तशद्दुद होता है, वो इटसेल्फ ही जो है वो क्या होता है, पॉइंटलेस होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वायलेंस से गुरेज करना चाहिए, वी शुड अवॉइड वायलेंस, हमें वायलेंस से बचना चाहिए, एंड वी शुड बी वेरी लविंग विद एवरीवन, हमें सबके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और अपनी बात को समझाना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती किसी को नहीं बोलना चाहिए आप हमारी ये बात करें, आप हमें ये बात माने, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, आराम से लाइट टोन में प्यार मोहब्बत से जो है अपनी बात को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, सो अब अगर जो है वो आप अब आप लोग जो है वो वॉयलेंस के ऊपर जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, आप लोग जो है वो शुरू करें, वॉयलेंस के ऊपर सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। आप वॉयलेंस क्या कहते हैं, तशद्दुद को कहते हैं, जैसे मैंने आपके 3-4 सेंटेंसेस जो वो बना के दिखाए हैं, और फिर मैंने ये भी बताया कि वॉयलेंस के ऊपर जो है आप क्या करें, सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। हाँ जी विनाहिल, वी शुड लिव विद यूनिटी, हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, हमें इकट्ठे होकर जो है वो रहना चाहिए, बट दैट वाज आप लोग जो है वो कोशिश करें कि जो वॉयलेंस का वर्ड है उसका इस्तेमाल करें, वर्ड वॉयलेंस को जो है वो इस्तेमाल करें अपने सेंटेंसेस में, वॉयलेंस का वर्ड इस्तेमाल करें। बच्चे अगर आप लोग जो है वो थोड़े थोड़े मुश्किल टास्क को करना शुरू करेंगे तभी आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने आएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस अगर हम लोग बनाते रहे, गया, आया, जाया, खाया, पिया, तो वो तो बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, आसान सेंटेंसेस होते हैं, आप लोग उसको जो है वो बहुत इजीली बना सकते हो। बट वॉयलेंस जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी आम डेली रूटीन में भी बहुत कम यूज होता है। सो आई वुड लाइक यू गाइज, मैं